बॉलीवुडियाई ही भांडव का कहना है कि इंडस्ट्री के भाईजान बोले तो सलमान खान अभी करण जौहर के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनाने वाले हैं। चल बोजड़ी। मतलब यार ये गंदे अंडे आखिर कौन से सस्ते नशे करते हैं कि इनके मुंह से ऐसी ऐसी अजीब बातें निकल जाती हैं जिनको सुनकर आम जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि इन लोगों के ऊपर हंसा जाए या चार गालियां देकर आगे बढ़ जाया जाए। नहीं नहीं भाई साहब, वो आप लोग ही बताओ ना, आज से कुछ 3-4 साल पहले तक ये भांड आखिर क्या बोला करते थे कि इंडस्ट्री में सिर्फ 4 ही सुपरस्टार्स हैं जिनको देखे बिना भारतीय जनता के गले से तो कतई खाना ही नहीं उतरता। पहले नंबर पर सलमान खान, इनका तो आज की डेट में फिल्मी करियर पूरे तरीके से साइकिल के कैरियर जैसा बन चुका है। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार, इनका तो ऐसा बुरा वक्त चालू हुआ है कि जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं ना वो तो कतई टट्टी बन जाती है। तीसरे नंबर पर आमिर खान, ये तो भाई साहब किसी अलग ही लेवल के सदमे में चल रहे हैं। जब से इनकी हॉलीवुड से चोरी की झाड़ी हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा पिटी है तब से इन्होंने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ही ले लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अपने शाहरुख खान भाई साहब, ये भी खुद को सदी का बहुत बड़ा सुपरस्टार बताने में कतई बाज नहीं आते थे, पर जब इनकी 200 करोड़ की लागत में बनी हुई फिल्म जीरो जिसमें इन्होंने बौने का किरदार निभाया था वो जब बड़े बुरे तरीके से पिटी थी ना तो इनकी भी सुपरस्टारी की खुमारी तुरंत ही उतर गई थी और इन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से सीधा ही मतलब 4 से 5 सालों का लंबा गैप ले लिया था। पर वो तो भला हो कि इनकी पठान और जवान नामक 2 फिल्में सिनेमाघरों में चल गई जिसके बाद इन्होंने फिर एक बार अकड़ना शुरू कर दिया। पर वो कहते हैं ना भाई साहब कि इंसान को घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए, अब उनके उसी घमंड का नतीजा ये हो गया कि खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बताने वाले ये अपने शाहरुख खान की फिल्म डंकी बड़े बुरे तरीके से पिट गई और लोगों ने इनका सारा का सारा तेल वही निकाल दिया। अब जो भी हो पर लगातार फिल्में बनाए जाने की इन 3-4 बुड्ढों ने तो ऐसा लगता है भाई साहब कि कतई कसमें ही खा रखी है कि फिर चाहे जो हो जाए, खाल लटक जाए या दांत झड़ जाए, बनते तो हम अपनी हर अगली फिल्म के अंदर हीरो ही रहेंगे। अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ सड़ा हुआ घटिया सा डिस्गस्टिंग टाइप रोमांस ही करेंगे। इनको घंटा नहीं कोई फर्क पड़ता भाई साहब कि भारतीय ऑडियंस बोले तो देश की जनता आखिर इन भांडों से असल में चाहती क्या है। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या हो गया, पर कोई है जिनको ऑडियंस की बातों से बहुत तेज फर्क पड़ता है और वो है अपने सनी देओल जिन्होंने भारतीय ऑडियंस की सुनकर गदर 2 बनाई। फिल्म दामिनी का दूसरा पार्ट बनाने की सोच रहे हैं और तो और बॉर्डर जो कि एक बहुत ही मैसिवली सुपरहिट फिल्म हुई थी उसको लेकर भी अभी खबरों का बाजार खूब ज्यादा गर्म चल रहा है। और सबसे ऊपर कि लाहौर 1947 जैसी फिल्म जिसकी शूटिंग अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अब मेरा तो यही मानना है कि कोई फिल्म बने ना बने पर बॉर्डर का सीक्वल तो जरूर ही बनना चाहिए। सही मायनों में इस थक चुकी बॉलीवुड इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड तभी वापस लौट सकता है जब ये बॉलीवुडियाई भांड वही करे जो आम जनता इनसे करवाना चाहती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।